नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी, ठीक है, क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, उसके अंदर आज मैं आपके सामने जो 2018 का पेपर लगा था उसमें जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे, स्कूल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आए थे, वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ में इनकी डिटेल भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न 2018 के पेपर में पूछा गया था, तो इसमें देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास में है, चित्रकला, खेल, प्रश्नोत्तरी, अध्यापन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से दोस्तों इसका मन में सोच लो क्या होगा इसका उत्तर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अध्यापन शिक्षण, डी नंबर का ऑप्शन है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शिक्षकों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसमें अध्यापकों के व्यवसाय उन्नयन के लिए तीन प्रकार की सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन होता है इसके अंदर, ठीक है। एक तो होता है पत्र वाचन प्रतियोगिता, दूसरा है अध्यापन प्रतियोगिता और तीसरा है लेख प्रतियोगिता, ठीक है। इसमें देखो, अध्यापन प्रतियोगिता आ रहा है यहाँ पे, तो डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, विद्यालय की समय विभाग चक्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत न्यूनतम महत्वपूर्ण है? विद्यालय की समय चक्र के लिए, विद्यालय की समय विभाग चक्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत न्यूनतम महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास में है, विषयों का सापेक्षिक महत्व और कठिनाई, यांत्रिकता और दृढ़ता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, विषय की प्रकृति, विभिन्नता और नवीनता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो है यांत्रिकता और दृढ़ता, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न में, ये दोस्तों पिछले पेपर में पूछे गए हैं ये प्रश्न सारे के सारे। इसमें देखो, तीन नंबर प्रश्न, सीरेट का प्रशिक्षण और विस्तार विभाग कार्य करता है, सीरेट का प्रशिक्षण और विस्तार विभाग कार्य करता है, तो दोस्तों क्या कार्य करता है वो अपने को इस पर बताना है, ठीक है। नीचे कूट में भी बताना पड़ेगा दोस्तों इनमें से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए, पाठ्यचर्चा विकास के लिए, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के लिए, प्रसार शिक्षा के लिए, अनुदेशनात्मक सामग्री व पाठ्य पुस्तकों के लिए। तो दोस्तों, इनमें से कौन कौन से जो कार्य हैं वो सीरेट का प्रशिक्षण और विस्तार विभाग ये कार्य करते हैं, तो कौन कौन से करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो इसमें देखो, एक तो करते हैं सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए, दूसरा है पाठ्यचर्चा विकास के लिए, और तीसरा है दोस्तों इसमें अनुदेशात्मक सामग्री व पाठ्य पुस्तकों के लिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और ई, ठीक है, ए बी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है? दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास में है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, स्त्री शिक्षा, सेवा पूर्व शिक्षा, ठीक है, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है योजना एवं प्रबंधन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो है स्त्री शिक्षा, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसके अंदर जो ये डाइट है दोस्तों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, ठीक है, इसमें दोस्तों शिक्षा के सात विभाग है, तो सात विभाग में से कौन कौन से हैं, तो देखो सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, दूसरा है इसमें कार्य अनुभव, तीसरा है योजना एवं प्रबंधन, चौथा है इसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पांचवा है सेवारत कार्यक्रम, ठीक है, छठा है दोस्तों इसमें जिला संसाधन, और सातवा है इसमें पाठ्यक्रम सामग्री। तो इसमें देखो, ये सेवा पूर्व अध्यापक भी है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी भी है, इसमें दोस्तों स्त्री शिक्षा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। ये आपको याद रखने हैं, डाइट में शिक्षक शिक्षा के सात विभाग हैं।
नेक्स्ट है, पांच नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान राज्य खुला विश्वविद्यालय, सॉरी राजस्थान राज्य खुला विद्यालय किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था? राजस्थान राज्य खुला विद्यालय किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था? दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से दोस्तों मन में सोच लो इस प्रश्न का उत्तर है क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्स नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये बताना है, चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से दोस्तों इनको पढ़ लो। तो देखो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बुद्धि लब्धि गुणांक है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा पास करने वाली विद्यार्थियों को गार्गी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली विद्यार्थियों को गार्गी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? दोस्तों 6,000 रुपये एक प्रमाण पत्र या 10,000 रुपये एक प्रमाण पत्र या 25,000 रुपये एक प्रमाण पत्र या दोस्तों 5,000 रुपये एक प्रमाण पत्र है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों गार्गी पुरस्कार में इसमें कुल 6,000 रुपये और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गार्गी पुरस्कार में। आठ नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, तो दोस्तों वो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखो सहभागी उत्तरदायित्व है, सहभागी उत्तरदायित्व है। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको गार्गी पुरस्कार के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, दसवीं कक्षा में 75% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दोस्तों 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था गार्गी पुरस्कार का, ये दोस्तों 1998 में हुआ था इस पुरस्कार का प्रारंभ, ठीक है। इसमें किस किस को शामिल किया गया है? तो इसमें समस्त वर्ग की बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और इसके लिए पात्रता क्या है? तो पात्रता में देखो वे सभी बालिकाएं पात्र होंगी जिन्होंने कक्षा 10 में 75% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और दोस्तों ये कब दिया जाता है? तो ये बसंत पंचमी के दिन 3,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष तक, ठीक है, कक्षा 11 में भी 3,000 रुपये और कक्षा 12 में भी 3,000 रुपये दिए जाते हैं दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन दिए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो है सहभागी उत्तरदायित्व है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नाइन नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष है वो दोस्तों कौन है? चार ऑप्शन आपके पास में है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर? वो है दोस्तों इसमें शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, ठीक है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है? शिक्षा मंत्री राजस्थान, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान सरकार ने 1973 में एक प्रशासनिक आदेश से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के गठन और राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत दोस्तों इसको स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ठीक है। और दोस्तों इस संस्था, ये संस्था है, ये 29 दिसंबर 1973 को स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और ये विधिवत रूप से जो अस्तित्व में आई थी वो दोस्तों 1 जनवरी 1974 को ये विधिवत रूप से अस्तित्व में आई थी और इसकी स्थापना है वो जालना डूंगरी जयपुर में की गई थी, ठीक है। और इसका अध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न, इसमें देखो सबके लिए शिक्षा के
विश्व घोषणा 1990 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति की आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है? सबके लिए शिक्षा, दोबारा देखो, सबके लिए शिक्षा के विश्व घोषणा 1990 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति की आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वो कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यवसाय में स्थापित करना। ठीक है, ये दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कक्षा 10 वर्ष की, सॉरी दोबारा देखो, 11 नंबर प्रश्न है, एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया हो किस कक्षा में प्रविष्ट के योग्य है? तो दोस्तों, एक 10 वर्ष का एक आयु का एक बालक है जो कभी स्कूल नहीं गया हो, तो उसको कौन सी कक्षा के अंदर प्रविष्ट के लिए योग्य माना है सरकार ने? तो दोस्तों, कक्षा 1, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कक्षा 5 के लिए प्रविष्ट के योग्य है दोस्तों, ये डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश होने चाहिए? तो दोस्तों, जो अधिनियम बना था निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत दोस्तों निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होनी चाहिए, तो कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ इसमें, ये देखो 20%, 25%, 30%, 40%, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25%, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, धारा 12 के अंतर्गत दोस्तों, ये 12(1) के अंतर्गत दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के कुल छात्रों के 25% प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो RTI के जो फॉर्म लगते हैं, ठीक है, RTE के जो फॉर्म लगते हैं वो आपको पता होगा, जिसमें 25% जितने भी स्कूल में स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, उसका 25% है वो RTI के तहत एडमिशन उनको दिया जाएगा, और उसमें जो उनका जो खर्चा है, फीस है, वो सरकार द्वारा दी जाएगी। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो किस आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है 4, 7 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 6 से 14 वर्ष, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पिछली बार जो 2018 के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न गलत था, इसमें दोस्तों 0 से 14 वर्ष दे रखा था यहाँ पे, तो 6 से 14 वर्ष इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है, तो कौन सी कक्षा से लेके कौन सी कक्षा तक इसमें सम्मिलित है? तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होगा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक दोस्तों अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए दोस्तों आज ऐसा वीडियो बना है। ठीक है, 2018 का जो पेपर लगा था उसके जो स्कूल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन थे वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्य आर एस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।